नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त MC2E आपको मेरे अपने ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू चेक बैलेंस इन पेटीएम ऐप। हमारी बैंक अकाउंट की जो बैलेंस होती है, जो UPI के साथ लिंक होता है, उसको हम पेटीएम में कैसे चेक करेंगे। दोस्तों चलिए, दोस्तों देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों पहले हम पेटीएम ऐप पर जाएंगे। पेटीएम ऐप जाने पर हमको अपने ही पेटीएम की होम पेज दिखाई देगी। होम पेज में दोस्तों हम दो तरीके से देख सकते हैं हमारा अकाउंट बैलेंस, पहले पासबुक और दूसरे है बैंक ऑप्शन पर जाकर। पहले हम पासबुक ऑप्शन पर जाएंगे दोस्तों, पासबुक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमको पासवर्ड बोलेगा। पासवर्ड मारने के बाद दोस्तों हमको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पे पेटीएम वॉलेट बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, पेटीएम मनी जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तरह की होता है वो दिखाई दे रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे UPI पेमेंट्स और पेटीएम बैंक सेविंग अकाउंट दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप जो चाहें वो देख सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको दोस्तों पेटीएम बैंक सेविंग्स अकाउंट पर दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों वहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों वो पासवर्ड यानी UPI पिन मांगेगा। दोस्तों उसको देने पर दोस्तों आपकी पेटीएम बैंक सेविंग्स अकाउंट की बैलेंस दिखाई देगी। दोस्तों आप अपनी बैंक जो पेटीएम के साथ लिंक किया हुआ है उसको आप दोस्तों देख सकते हैं, और पेटीएम में जो UPI पेमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इंटरफेस में, वहीं पे आप चेक बैलेंस पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा जो मैंने आपको दूसरे तरीका बोला था कि उसकी बैंक सेक्शन में जाकर आप वो दोस्तों चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट बैलेंस, दोस्तों अपने UPI अकाउंट, अपने पेटीएम पेमेंट बैंक की दोस्तों, और जो भी आपने बैंक लिंक कर रखा है पेटीएम के साथ दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं। चलो दोस्तों हम लौट जाते हैं अपने होम पेज पर, और अब हम जाएंगे बैंक सेक्शन पे। दोस्तों हम अभी बैंक सेक्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमको दोस्तों पेटीएम पासकोड मांगेगा जो कि अपने सिक्योरिटी है पेटीएम बैंक की, वो डाल देंगे। दोस्तों डालने के बाद हमको बैंक की होम पेज पर वो हमको ले जाएगा। वहाँ पर जाने के दोस्तों हमको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे में लिखा हुआ था पेटीएम पेमेंट्स बैंक, और आपने जो भी बैंक लिंक करके रखा होगा दोस्तों वो आपको दिखाई देगी। तो वहाँ पर आप जहाँ पर भी डालेंगे वहाँ पर आपको UPI पिन डालने को बोलेगा। डालने के बाद आप बैंक अकाउंट की बैलेंस आप देख सकते हैं दोस्तों, पेटीएम बैंक की भी, और आपने जो भी UPI बैंक दिया हुआ है दोस्तों, अभी जो भी बैंक लिंक हुआ किया हुआ है वो उसकी बैलेंस आपने देख पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी भी मिला होगा। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों लाइक कीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों हम उम्मीद है कि आपको इस वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसके बारे में दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बता देना।